गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर किसके ऊपर? हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। टुडेज लेक्चर ऑन थर्ड स्टेप डीकैल्सिफिकेशन। टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में अपन टिश्यू को जो प्रोसेस, उसमें फर्स्ट स्टेप तो थी रिसेप्शन, सेकेंड थी फिक्सेशन, और तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है डीकैल्सिफिकेशन, यानी टिश्यू के अंदर से पैथोलॉजिकल सैंपल से कैल्शियम आयन को क्या है? बाहर निकालना। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है, पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था? सॉल्यूशंस यूज इन एग्जेक्टिव, यानी फिक्सेशन जो प्रोसीजर है उसमें सॉल्यूशंस रिएजेंट कौन से अपने काम में लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हिस्टोलॉजी फिक्सेटिव, यानी ऐसे फिक्सेटिव तो किसको प्रिजर्व करते हैं? ओनली जो आपका टिश्यू है, बायोलॉजिकल सैंपल जो आपने कलेक्ट किया है उसके एनाटॉमी को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व एनाटॉमी ऑफ द टिश्यू, यानी उसकी एनाटॉमी यानी उसकी स्ट्रक्चर को क्या है? प्रिजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं, एज नहीं होने देते। नेक्स्ट है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, सॉल्यूशंस यूज इन फिक्सेटिव, यानी क्या है कि कौन से सॉल्यूशन हम फिक्सेशन के अंदर काम में लेते हैं। तो सबसे पहला है हिस्टोलॉजी फिक्सेटिव, यानी प्रिजर्व एनाटॉमी ऑफ द टिश्यू, यानी टिश्यू की जो एनाटॉमी है यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या है? प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं। जैसी नेचुरल कंडीशन में वो ह्यूमन बॉडी के अंदर था टिश्यू, वैसी कंडीशन में बाहर उसको लैब में रखने की कोशिश करते हैं। फिर है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, प्रिजर्व ऑफ इंट्रासेलुलर डिटेल ऑफ टिश्यू। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव का काम क्या होता है? विच प्रिजर्व यानी जो बचाए रखते हैं, ऑफ इंट्रासेलुलर यानी उसके जो सेल की जो डिटेल है, यानी सेल्स के अंदर जो ऑर्गन्स है, सेल की स्ट्रक्चर है, उसको क्या है? प्रिवेंट करते हैं, उस डिटेल को क्या अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं। तीसरा है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, विच प्रिजर्व ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू, जो क्या है टिश्यू के अंदर जो केमिकल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट या फिर साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर जो भी लिक्विड है या टिश्यू के अंदर जो लिक्विड है एक्टिन मायोसिन से रिलेटेड, उसको क्या है उस केमिकल्स को नेचुरल कंडीशन में प्रिजर्व करने का काम करते हैं। माइक्रो एनाटॉमिकल या हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव, यानी हिस्टोलॉजी के अंदर लैब के अंदर कौन से फिक्सेटिव काम में आते हैं? 10% फॉर्मेलिन सबसे पहला फिक्सेटिव है, जो किससे बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड से। आपने पढ़ा था वेरियस क्वालिटीज ऑफ फिक्सेटिव में फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, यहाँ पे देखिए 35-40% फॉर्मेल्डिहाइड। कितने एम एल लोगे आप? 100 ml। और डिस्टिल वाटर कितने एम एल लोगे? 900 ml। और दोनों को मिक्स करके क्या सॉल्यूशन बना लोगे आप? 10% फॉर्मेलिन, और फिर उसको लैब के अंदर काम में लोगे। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, यानी 35-40% फॉर्मेल्डिहाइड। कितने परसेंट? 35-40%। कितने ml? 100 ml। डिस्टिल वाटर कितना? 100 ml। सोडियम फॉस्फेट मोनोबेसिक कितने परसेंट, कितने ग्राम? 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम। सोडियम फॉस्फेट डाइबेसिक कितना? 6.5 ग्राम। दिस बफर्ड फॉर्मेलिन इज बेस्ट फिक्सेटिव ओरल, यानी ये जो बफर्ड फॉर्मेलिन बनाया आपने, न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, ये क्या है? सबसे अच्छा फिक्सेटिव और सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तीसरा है फॉर्मेलिन कैल्शियम, फॉर्मेलिन कितनी? 10 ml। और कैल्शियम एसिटेट कितना लेना है फिर आपको? 2 ग्राम या 2 ग्राम। वाटर कितना? 100 ml। इट इज न्यूट्रल पीएच एंड फॉर्मेलिन पिगमेंट इज नॉट फॉर्म इन सॉल्यूशन, यानी फॉर्मेलिन कैल्शियम की जो पीएच होती है, नेचर होता है इसका, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और फॉर्मेलिन पिगमेंट इज नॉट फॉर्म इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मेलिन से रिलेटेड कोई भी पिगमेंट फॉर्म नहीं होता, यानी बनता नहीं है। फॉर्मेलिन एल्कोहलिक, यानी फॉर्मेलिन को एल्कोहल के साथ मिक्स करके बनाया गया सॉल्यूशन। फॉर्मेलिन कितनी है? 10 ml। और एल्कोहल कितने परसेंट? 75-90% एल्कोहल, और कितने ml लेना है? 900 ml, 90 ml।
नेक्स्ट सॉल्यूशन है P5 Zenker's fluid, यानी Zenker's fluid. तो मर्क्यूरी क्लोराइड कितने ग्राम लेना है? 5 ग्राम. पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम. आयोडीन सल्फेट 5 ग्राम. और डिस्टिल्ड वाटर कितना है? 100 ml. इट इज बेस्ट फिक्सेटिव फॉर बोन मैरो स्टडी, स्प्लीन एंड अदर ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन. यानी ये क्या है? अच्छा फिक्सेटिव है बोन मैरो की स्टडी के लिए, या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई भी ऑर्गन हो उसको क्या अच्छे तरीके से फिक्स करता है Zenker's fluid. नेक्स्ट बोवाइन स्प्यूड. सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड कितना लेते हैं इसके कंपोजिशन में? 75 ml. फॉर्मेलिन 25 ml. और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है? 5 ml. नेक्स्ट, इट इज रैपिड फिक्सेटिव, गुड पेनिट्रेशन पावर एंड कॉज लिटिल श्रिंकेज. यानी ये क्या है? बहुत ही अच्छा फिक्सेटिव है और इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है, भेजने की जो पावर है वो भी अच्छी है और कॉज लिटिल श्रिंकेज. ये क्या है? टिश्यू में थोड़ी सी सिकुड़न पैदा कर देता है. नेक्स्ट, इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियर प्रिजर्वेटिव एंड यूज स्पेशली इंटेस्टाइनल बायोप्सी एंड टेस्टिकुलर बायोप्सी टू स्टडी इनफर्टिलिटी. क्या है कि एक्सीलेंट न्यूक्लियर फिक्सेटिव, यानी न्यूक्लियस को अच्छे तरीके से फिक्स करने वाला या उसको बचा के रखने वाला सॉल्यूशन है या फिक्सेटिव है. एंड यूज स्पेशली, यानी कौन सी चीजों के लिए स्पेशली हम इसको काम में लेते हैं बोवाइन फ्लूइड को? इंटेस्टाइनल बायोप्सी के लिए, यानी इंटेस्टाइन से लिए गए कोई सैंपल के लिए. एंड टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए, और क्या है, टेस्टिस से लिए गए कोई सैंपल की इन्वेस्टिगेशन में भी अपन बोवाइन फ्लूइड को काम में लेते हैं इनफर्टिलिटी की कंडीशन में. द टिश्यू हैज टू बी वॉश थ्रोली इन वाटर देन टू रिमूव द पिक्रिक एसिड, द टिश्यू विल बी स्टेन येलो अदरवाइज. यानी क्या है, टिश्यू को क्या है, आप पानी के अंदर वॉश करोगे, अगर आप वॉश नहीं करोगे तो उसके अंदर क्या रह जाएगा, पिक्रिक एसिड रह जाएगा टिश्यू के अंदर, तो क्या है उसकी स्टेनिंग सही तरीके से नहीं होगी, यानी येलो कलर आ जाएगा स्टेनिंग के अंदर. इसलिए क्या है, बोवाइन फ्लूइड को काम में लेने के बाद टिश्यू को पानी के अंदर वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं. पहले थे हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव, दूसरा क्या है, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, यानी सेल्स को फिक्स करने वाले फिक्सेटिव. कार्नोस फ्लूइड, इसके अंदर देखिए एब्सोल्यूट अल्कोहल कितना है? 60 ml. क्लोरोफॉर्म कितना है? 30 ml. और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है? 10 ml. ए गुड एक्सीलेंट न्यूक्लियस फिक्सेटिव बट कोज श्रिंकेज ऑफ सेल. यानी एक बहुत ही अच्छा फिक्सेटिव है, न्यूक्लियस को अच्छे तरीके से फिक्स करता है और थोड़ी सी क्या है टिश्यू के अंदर श्रिंकेज कोज करता है, सिकुड़न पैदा करता है. इट इज ए गुड फिक्सेटिव फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेटिंग 2 to 3 ml थिकनेस एट ओनली 15 minutes. यानी ये क्या है, अच्छा फिक्सेटिव है कार्बोहाइड्रेट के लिए, और 2 to 3 ml की टिश्यू को फिक्स करने के लिए कितने मिनट लेता है? ओनली 15 minutes, यानी 15 minutes. नेक्स्ट था क्लार्क फ्लूइड, जिसके कंपोजिशन में आप क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल कितने ml? 75 ml. और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना लेते हो? 25 ml. नेक्स्ट, इट इज गुड न्यूक्लियर फिक्सेटिव एंड साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव. यानी ये क्या है, एक अच्छा फिक्सेटिव है जो न्यूक्लियस को स्टेन करता है, फिक्स करता है और साइटोप्लाज्म को फिक्स करता है. नेक्स्ट, इट्स कॉमनली यूज, यानी इसका यूज कहाँ कहाँ लेते हैं अपन? एक तो साइटोलॉजिकल स्मियर फिक्सेशन में, यानी साइटोलॉजी के अंदर ये सेल्स को फिक्स करने के लिए. दूसरा, सेल्स कल्चर के अंदर भी आप क्या है क्लार्क फ्लूइड को काम में लेते हो, और क्रोमोसोमल एनालिसिस में भी क्या है क्लार्क फ्लूइड को काम में ले सकते हो. नेक्स्ट है न्यू कॉमर्स फ्लूइड, जिसके अंदर आइसोप्रोपेनॉल कितना है? 60 ml. प्रोपियोनिक 40 ml. पेट्रोलियम इतर कितना लेना है फिर आपको? 10 ml. और एसीटॉन कितना लेना है? 10 ml. और डाइऑक्सिन 10 ml. तो इस सॉल्यूशन को काम में कहां से लेते हैं? इट इज स्पेशली फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस, यानी क्रोमोसोम्स की जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके अंदर क्या है न्यू कॉमर्स फ्लूइड को काम में लिया जाता है. नेक्स्ट है सैम्पीज फ्लूइड, जिसका कंपोजिशन क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना लेना है? 10 ml. क्रोमिक एसिड 7 ml. और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कितना है? 4 ml. इट इज ए गुड साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव. ये क्या है, साइटोप्लाज्म को अच्छे तरीके से फिक्स करने वाला फ्लूइड है या फिर सोल्यूशन है. नेक्स्ट है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव,
तो फ्रीजी ड्राइंग कितना है, सबसे पहला फिक्सेटिव है, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ केमिकल फिक्सेशन। यानी फ्रीजी ड्राइंग क्या है, एक बहुत ही अच्छा मेथड है केमिकल्स को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड वेपर, इट इज ऑब्टेन फॉर्मेल्डिहाइड अप टू 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम रिक्वायर्ड इज अप टू 1 आवर। यानी फॉर्मेल्डिहाइड वेपर कहां से बना है, फॉर्मेल्डिहाइड से। और क्या है कि 50 to 80 डिग्री यानी 50 से 80 डिग्री के टेम्परेचर में ये टिश्यू को 1 घंटे के अंदर फिक्स कर देता है। नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेटिव, यानी उसकी अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर कौन सा सैंपल अपन फिक्स करते हैं, कितना टाइम लगता है, ठीक है, और कौन सी अपन फिक्सेटिव फ्लूड उसमें काम में लेते हैं। तो सब तीन कॉलम है, सबसे पहला कॉलम है टाइप ऑफ टिश्यू, बायोप्सी यानी टिश्यू का सैंपल कहां से लिया गया है। दूसरा है फिक्सेटिव ऑफ चॉइस यानी कौन सा फिक्सेटिव आप काम में ले रहे हो। और तीसरा है टाइम ऑफ फिक्सेशन यानी फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली है रूटीन बायोप्सी यानी डेली जो बायोप्सी के सैंपल आते हैं, जैसे किसी ट्यूमर वगैरह के या फिर किसी और लीजन के स्किन से रिलेटेड, तो इसके अंदर फिक्सेटिव कौन सा काम में लेते हो आप, फॉर्मेलिन या फिर फॉर्मेलिन सेलाइन या फिर बफर्ड फॉर्मेलिन, इनमें से यानी फॉर्मेल्डिहाइड को अपन काम में लेते हैं। वो टाइम कितना चाहिए रूटीन बायोप्सी के लिए, 4 से 6 घंटे। नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बायोप्सी यानी जीटीआई से कोई भी सैंपल लिया गया हो तो उसको फिक्स किस में करोगे, बोवाइन फ्लूइड में या फिर बफर फॉर्मेलिन में। टाइम कितना चाहिए इसको, 10 to 12 आवर। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर बायोप्सी यानी टेस्टिस से कोई सैंपल लिया गया हो जिसके लिए फ्लूइड कौन सा काम में लोगे, बोवाइन फ्लूइड, और टाइम कितना चाहिए उसके लिए, 4 to 6 आवर। नेक्स्ट सैंपल है लिम्फ नोड बायोप्सी यानी लिम्फ से रिलेटेड कोई भी बायोप्सी का सैंपल जिसके लिए सॉल्यूशन तो आप काम में लेते हो B5 सॉल्यूशन, और टाइम कितना चाहिए, 12 to 18 आवर यानी 12 से 18 घंटे। बोन मैरो बायोप्सी के अंदर भी अपन कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, फिक्सेटिव रैंकर फ्लूइड या बोवाइन फ्लूइड, टाइम कितना चाहिए इसके लिए, 2 to 4 आवर। स्प्लीन एंड अदर ब्लड ऑर्गन यानी स्प्लीन या फिर अदर कोई ब्लड का ऑर्गन भी अपन फिक्स करेंगे तो रैंकर फ्लूइड के अंदर, तो टाइम चाहिए 2 to 6 आवर। क्रोमोसोमल स्टडी के अंदर अपन कौन सा फिक्सेटिव काम में लेते हैं, न्यूकोमर फ्लूइड, इसके लिए टाइम कितना चाहिए, 1 से 2 घंटे। या फिर रिजर्व बायोप्सी कोई भी बायोप्सी का अलग कोई सैंपल हो, अदर कोई लिया गया हो तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ज्यादातर बफर्ड फॉर्मेलिन, तो टाइम कितना लेती है उसके अंदर, 2 to 3 आवर यानी 2 से 3 घंटे लेती है फिक्सेशन के अंदर। आज का टॉपिक इस पे डीकैल्सिफिकेशन पे यानी डीकैल्सिफिकेशन है क्या, सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन डिस्क्राइब द टेक्निक फॉर रिमूवल मिनरल फ्रॉम बोन और अदर कैल्सिफाइड टिश्यू। यानी डीकैल्सिफिकेशन क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है, टेक्निक बताता है किसके लिए, फॉर यानी के लिए रिमूविंग मिनरल फ्रॉम बोन एंड अदर कैल्सिफाइड टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू में कैल्शियम आयन प्रेजेंट हो या फिर कोई बोन हो उसके अंदर से कैल्शियम रिमूव करने की टेक्निक बताता है। सो दैट गुड क्वालिटी पैराफिन सेक्शन कैन बी प्रिपेयर, यानी उस जो आपने बायोलॉजिकल सैंपल लिया है, टिश्यू लिया है, उसके क्या है अच्छे तरीके से सेक्शन कटिंग हो उसके, उसके लिए कैल्शियम को रिमूव करने की टेक्निक बताता है। दैट विल प्रिजर्व ऑल द एसेंशियल माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट, ताकि वो क्या है उस टिश्यू को अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जा सके, उसकी माइक्रोस्कोप जो स्टडी है उसके एलिमेंट से वो अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन की जा सके। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन इन द टिश्यू इज या इट इज डिफिकल्ट टू माइक्रोटोमी, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल या रिमूविंग कैल्शियम आयन फ्रॉम टिश्यू इज कॉल्ड डीकैल्सिफिकेशन। यानी किसी टिश्यू के अंदर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस तो उसकी माइक्रोटोमी जो होगी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि उसके सेक्शन कटिंग नहीं होगी अगर उसमें बोन या फिर कोई अदर कोई कैल्शियम आयन के सोल्यूशन प्रेजेंट होंगे, तो उसको रिमूव करना, रिमूव करने का जो प्रोसीजर है टिश्यू के अंदर से वही क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन। फिर है पर्पज यानी किस चीज के लिए अपन इसको करते हैं, इट इज डन फॉर मेक द टिश्यू सॉफ्ट इनफ टू अलाउ कटिंग विद माइक्रोटोम नाइफ।
कि ये इसलिए करते हैं ताकि क्या है, जो टिश्यू का जो सैंपल है, बायोलॉजिकल सैंपल है, वो सॉफ्ट हो जाए, ज्यादा हार्ड नहीं रहे, ताकि उसकी सेक्शन कटिंग क्या हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। यानी नाइफ के अंदर जो माइक्रोटॉम का नाइफ है उसके अंदर कोई भी चेंज या उसके साइज में डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, द टिश्यू इज कट विदाउट डीकैल्सिफिकेशन और हाफ डीकैल्सिफिकेशन, इट मे डैमेज द नाइफ ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग। यानी क्या है, डीकैल्सिफिकेशन के टाइम पे या तो वो कंप्लीट नहीं हुआ या आपने किसी बायोलॉजिकल सैंपल का डीकैल्सिफिकेशन किया ही नहीं और उसमें क्या है, कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि उससे जो माइक्रोटॉम का नाइफ है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा। शुरू से देखिए, डीकैल्सिफिकेशन डिस्क्राइब द टेक्निक फॉर रिमूवल रिमूविंग मिनरल फ्रॉम बोन और अदर कैल्सिफाइड टिश्यू सो दैट गुड क्वालिटी पैराफिन सेक्शन कैन बी प्रिपेयर दैट विल प्रिजर्व ऑल द एसेंशियल माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट। यानी क्या है, डीकैल्सिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है या प्रोसीजर है जिसके द्वारा अपन क्या है, कैल्सिफाइड टिश्यू के अंदर से कैल्शियम आयन को बाहर निकाल लेते हैं ताकि उसके अच्छे क्वालिटी के सेक्शन तैयार किए जा सके माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन इन द टिश्यू इज डिफिकल्ट टू माइक्रोटॉम। यानी क्या है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस इसी टिश्यू के अंदर उसकी सेक्शन कटिंग में क्या करती है, प्रॉब्लम करती है, उसकी सेक्शन कटिंग क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसीलिए द प्रोसेस ऑफ रिमूवल या रिमूविंग कैल्शियम आयन फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड डीकैल्सिफिकेशन। और क्या है, इसीलिए क्या है, इसी टिश्यू के अंदर से कैल्शियम आयन को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसी को क्या बोलते हैं, डीकैल्सिफिकेशन। पर्पज क्या है इसका, कि किस कारण से करते हैं, इट इज डन फॉर मेक द टिश्यू सॉफ्ट इनफ टू अलाउ कटिंग विद माइक्रोटोमा नाइफ। यानी क्या है, कैल्शियम आयन को रिमूव करते हैं, टिश्यू को सॉफ्ट करते हैं, इतना सॉफ्ट करते हैं कि उसकी जो कटिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके। द टिश्यू इज कट विदाउट डीकैल्सिफिकेशन और हाफ डीकैल्सिफिकेशन, इट मे डैमेज द नाइफ। यानी क्या है कि टिश्यू के अंदर कोई कैल्शियम आयन्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, उसको हार्ड करेंगे, और अगर वो टिश्यू हार्ड होगा तो माइक्रोटॉम का जो नाइफ है यानी चाकू या ब्लेड है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी या उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ जाएगा। डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द टिश्यू पीस शुड बी आइडियली 4 to 5 mm थिक। These are decalcified within 2 to 3 hours in mineral salt। यानी किसी टिश्यू पीस का डीकैल्सिफिकेशन, किसी टिश्यू के टुकड़े का डीकैल्सिफिकेशन और उसका साइज क्या है, 4 to 5 mm थिक है, तो कितनी देर में हो जाता है वो डीकैल्सिफाइड रिएजेंट के साथ, 2 to 3 hours के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए, बोन मैरो शुड बी आइडियली फिक्स इन जेंकर्स फ्लूड एंड बोवाइन फ्लूड एंड टिश्यू विल बी डीकैल्सिफाइड इन 2 to 4 hours। यानी क्या है, बोन मैरो को सबसे पहले तो अपन फिक्स करेंगे सिग्नेटिव फ्लूड में, जेंकर्स फ्लूड में या फिर बोवाइन फ्लूड में, और फिर क्या करेंगे, टिश्यू को 2 to 4 hours में अपन क्या कर लेंगे, डीकैल्सिफिकेशन कर लेंगे उसका। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डीकैल्सिफाइंग एजेंट, क्या क्या क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। यानी कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन, यानी टिश्यू के अंदर से ऐसा फिक्सेटिव या रिएजेंट काम में लेना है अपन, डीकैल्सिफाइड रिएजेंट जो टिश्यू के अंदर से सभी कैल्शियम आयन को क्या कर दे, रिमूव कर दे। नेक्स्ट, डोंट मेक डैमेज द टिश्यू, ऐसा सॉल्यूशन काम में लेना है आपको डीकैल्सिफिकेशन के अंदर जो क्या है, टिश्यू की शेप एंड स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे, उसको नेचुरल कंडीशन में रखे, शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड, और ऐसा डीकैल्सिफाइड रिएजेंट होना चाहिए जो क्या है, बहुत ही कम समय में डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसीजर कर दे। ऐसा नहीं हो कि 12 घंटे लगे या फिर 2 दिन लगे, उसमें क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में लेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीप एंड इजी टू यूज, एक तो सस्ता होना चाहिए डीकैल्सिफाइड रिएजेंट और उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, टेक्निक है, वो क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। मिनिमम हार्मफुल इफेक्ट, और उस डीकैल्सिफाइड रिएजेंट के हार्मफुल इफेक्ट यानी खतरनाक इफेक्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी मरकरी जैसे या फिर अदर कोई कंटेंट हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, तो वो क्या कर देगा कि अगर किसी रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो डिजीज कॉज कर देगा नेट टेक्नीशियन। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेप यूज इन डीकैल्सिफिकेशन, यानी डीकैल्सिफिकेशन के प्रोसीजर में अपन कौन से स्टेप काम में लेते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ टिश्यू, यानी सबसे पहले तो अपन किसी सैंपल का सिलेक्शन करते हैं,
कौन से बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, वहां से बायोप्सी का सैंपल कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वही रिसेप्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको फिक्स करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, और फिक्सेशन के बाद कौन सा स्टेप आएगा, डीकैल्सिफिकेशन, यानी उसके अंदर से कैल्शियम आयंस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और किसके द्वारा, या तो एसिड के द्वारा, या फिर आयन एक्सचेंज के द्वारा, या चिलेटिंग रिएजेंट के द्वारा, या एसिड न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा, और फिर क्या करेंगे इसकी वॉशिंग करेंगे। सिलेक्शन ऑफ टिश्यू, यानी कौन से टिश्यूज अपन डीकैल्सिफिकेशन के लिए लेते हैं, कौन से टिश्यू लेते हैं अपन, बोन्स लेते हैं, टीथ लेते हैं, या फिर कार्टिलेज टिश्यू लेते हैं, या बोन मैरो जिनके अंदर कैल्शियम के आयंस क्या प्रेजेंट है, उनको अपन सिलेक्ट करते हैं डीकैल्सिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है रूटीन डीकैल्सिफिकेशन मेथड, यानी कौन से मेथड से रूटीनली यानी डेली अपन डीकैल्सिफिकेशन प्रोसीजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मेथड है बाय एसिड, यानी एसिड के द्वारा अपन कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिंस के द्वारा कर सकते हैं, या फिर चिलेटिंग एजेंट के द्वारा कर सकते हैं। यानी तीन मेथड है रूटीनली डीकैल्सिफिकेशन के, पहला तो एसिड के द्वारा, दूसरा आयन एक्सचेंज रेजिंस के द्वारा, या फिर चिलेटिंग एजेंट के द्वारा। सबसे पहले किसके द्वारा करते हैं अपन, एसिड के द्वारा, बाय एसिड। तो एसिड रिलीज कैल्शियम आयन टू फॉर्म केमिकल कॉम्बिनेशन विद फॉस्फेट एंड कार्बोनेट इन बोन टू आयन एक्सचेंज या आयनिक एक्सचेंज। यानी कैल्शियम एसिड क्या करते हैं कि जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट है इसके अंदर टिश्यू के अंदर, उसके अंदर क्या है फॉस्फेट या कार्बोनेट उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं कैल्शियम आयन के साथ, और आयन एक्सचेंजिंग मेथड से उसको रिमूव कर देते हैं किससे, टिश्यू से। नेक्स्ट डोज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, डोज बेस्ड ऑन वीक ऑर्गेनिक एसिड, या फिर डोज कंपोज्ड ऑफ चिलेटिंग एजेंट। यानी ये क्या है एसिड के मेथड से कौन से एसिड अपन काम में लेते हैं डीकैल्सिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड ले सकते हैं जिसके अंदर तीन प्रकार के एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या पेरिनस फ्लूइड। दूसरा है वीकर ऑर्गेनिक एसिड, यानी जो कमजोर डीकैल्सिफाइंग एजेंट ले सकते हैं, कमजोर एसिड को ले सकते हैं, या फिर डोज कंपोज्ड ऑफ चिलेटिंग एजेंट। और तीसरा क्या है चिलेटिंग एजेंट को भी काम में ले सकते हैं। फिर है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी सबसे पहला टाइप एसिड डीकैल्सिफिकेशन का जिसके अंदर तीन प्रकार के एसिड है, नाइट्रिक एसिड, या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर क्या है पेरिनस फ्लूइड। तो सबसे पहले एसिड रिलीज कैल्शियम आयन टू फॉर्म केमिकल कॉम्बिनेशन विद फॉस्फेट एंड कार्बोनेट। यानी एसिड क्या करते हैं कैल्शियम आयन को कैसे बाहर निकालेंगे कि फॉस्फेट और कार्बोनेट के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करके आयन एक्सचेंज मेथड से उनको बाहर निकाल देंगे टिश्यू को, टिश्यू से। नेक्स्ट कि उसके टाइप कौन से तीन टाइप है, फिर अपन पहला कौन सा पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा है नाइट्रिक एसिड, जिसका कंपोजिशन क्या है, कौन सी चीजें मिलकर बनाती हैं उसको। तो नाइट्रिक एसिड किससे मिलकर बनता है, फाइव नाइट्रिक एसिड कितना होना चाहिए उसको, 5 से 10 ml या 5 to 10 ml, और क्या लेंगे अपन डिस्टिलेट लेंगे कितना 100 ml, और दोनों को क्या कर लेंगे डिजोल्व कर लेंगे यानी मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इट इज यूज एज ए 5% एक्वस सॉल्यूशन, और इसको किस तरीके से काम में लेते हैं स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड को 5% एक्वस सॉल्यूशन के रूप में काम में लेते हैं, यानी इसके अंदर नाइट्रिक एसिड कितना लेते हैं ओनली 5%। नेक्स्ट द प्रोसीजर, फिक्स द 5 mm थिक टिश्यू इन नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन फॉर 3 to 5 hours, यानी 5 mm के थिक टिश्यू को अगर आपने क्या है उसका डीकैल्सिफिकेशन करना है तो उसको 3 से 5 घंटे के लिए अपन डीकैल्सिफाइंग या नाइट्रिक एसिड के अंदर डाल देंगे तो उसका डीकैल्सिफिकेशन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट टिश्यू इज वॉश्ड बाय द हेल्प ऑफ 70% एल्कोहल फॉर 3 मिनट, और 3 से 5 घंटे के बाद क्या है उसको 70% एल्कोहल के अंदर क्या कर लेंगे वॉश कर लेंगे, कितने मिनट के लिए 3 मिनट के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज क्या क्या है इसकी, यानी नाइट्रिक एसिड की, इट इज रैपिड इन एक्शन, यानी ये क्या है जल्दी काम करता है, गिव बेटर न्यूक्लियर स्ट्रेन, और न्यूक्लियस की जो स्ट्रेन है वो भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, यानी उसमें
डिस्टर्बेंस नहीं करता, बहुत वेरी लिटल हाइड्रोलाइसिस, और थोड़ी सी क्या कर देता है टिश्यू की हाइड्रोलाइसिस कर देता है, फोर नीडल एंड स्मॉल बायोप्सी स्पेसिमेन टू परमिट रैपिड डायग्नोसिस, और जो क्या है स्मॉल बायोप्सी के सैंपल है या नीडल से लिए गए जो सैंपल है टिश्यू के, उनको क्या है जल्दी उनका जो प्रोसीजर है डीक्वांटिफिकेशन है उनकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी करने में हेल्प करते हैं, यानी प्रोसीजर क्या है इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है कम है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, टिश्यू लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम पोस्ट डैमेज, यानी टिश्यू को आप लंबे समय तक इसमें रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा नाइट्रिकेशन में। यूरिया इज एडेड टू रिमूव येलो कलर ऑफ टिश्यू, और यूरिया को क्या करना पड़ता है इसमें ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये कैसा कलर दे देता है येलो कलर दे देता है टिश्यू को। नेक्स्ट है पेरिनस फ्लूइड, जिसका कंपोजिशन कितना है 10% नाइट्रिक एसिड कितना है 40 ml, एब्सोल्यूट एथेनॉल 30 ml, और 0% क्रोमिक एसिड कितना लेना है 30 ml, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो आप 30 ml। इन तीनों चीजों को मिलकर क्या बनता है पेरिनस फ्लूइड, जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। मिक्स शॉर्टली बिफोर यूज टू स्मॉल स्पेसिमेन, और क्या है कि छोटे स्पेसिमेन को अंदर काम में लेने के लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज यूज टू 5-10% एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसको किस तरीके से काम में लेते हो 5-10% एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। HCl का अमाउंट कितना लेते हो 5-10 ml, तो डिस्टिल्ड वाटर कितना है 100 ml, और दोनों को मिक्स करके क्या है अपन डीपीएल की फाइन एजेंट में काम में लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी आपका किसके ऊपर आएगा डीकैल्सिफिकेशन रिएजेंट्स के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।